अरबबाद हवाई सफर के किराए के हवाले से हुकूमत के सख्त तेवर को देखते हुए हवाई कंपनियों ने सफर के किराए में कमी लाने का ऐलान किया है। वाजों की हवाई कंपनियों ने हाल ही में घरेलू परवाजों के किराए को आसमान तक पहुंचाने का फैसला किया था। उनके इस इकदाम पर मुसाफिरों ने नाराजगी का इजहार किया और हुकूमत ने भी इन कंपनियों की मनमानी को मानने से इनकार कर दिया। मरकजी वजारत बराए शहरी हवाबाजी और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की मुदाखलत के नतीजे में हवाई कंपनियों ने किराए में 20 से 25% की कमी करने का ऐलान किया है। याद रहे कि हवाई कंपनियों ने दिल्ली मुंबई रूट पर आखिर वक्त में बुकिंग कराने की सूरत में कम से कम किराया तकरीबन 17,000 रुपये कर दिया था, जबकि इस रूट पर पहले 5,000 से 20,000 रुपये के दरमियान किराया था। पिछले साल इसी मुद्दत में दिल्ली मुंबई रूट पर कम से कम किराया करीब 3,000 रुपये था। हवाई कंपनियों की दलील है कि अखराजात में बहुत इजाफा हुआ है और वो घाटे को कम करने की कोशिश कर रही हैं। इन हालात में किराया बढ़ाना उनके लिए जरूरी था। हुकूमत की मुदाखलत के बाद अहम रूटों पर किराया अब पहले की तरह हो गया है और इस हवाले से हमारे नामा निगार ने शहरी हवाबाजी शोबे के तजियाकार सुभाष गोयल साहिब से बात की और उनसे पूछा कि हवाई किराए में इजाफे के सिलसिले में हुकूमत के सख्त तेवर को आप किस तरह से देखते हैं। देखिए, ये तो आने वाले समय बताएगा कि इस सख्त रवैये का क्या असर है, क्योंकि जितनी भी एयरलाइंस हैं ये सरकार की मर्जी से ही चल रही हैं और ये सरकार की जिम्मेवारी है कि जो आम आदमी है, क्योंकि ये आम आदमी की सरकार अपने आप को कहलाते हैं, तो आम आदमी का जो हित है इस सरकार को रखना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, कदम उठाया है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि 2-4 दिन के लिए किराए कम हो गए फिर बढ़ गए, तो अगर फिर बढ़ते हैं तो सरकार को कुछ ना कुछ ऐसे प्यूनिटिव एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ फाइन, कुछ वार्निंग, कुछ कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंसेस, एक आध एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देंगे तो फिर सारे लाइन पे आ जाएंगे। हमने उनसे भी जाना कि हवाई कंपनियों ने किराया बढ़ाने की वजह बढ़ते अखराजात से हो रहे घाटे को करार दिया है, इसे आप कितना सही मानते हैं? नहीं, देखिए, इसमें कुछ तो ठीक है, क्योंकि भारत में एक तो लैंडिंग चार्जेस नए एयरपोर्ट्स के बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं और जो लो कॉस्ट कैरियर्स हैं उनको अलाउ करना चाहिए पुराने एयरपोर्ट से विद 50% या 30% लैंडिंग चार्जेस। दूसरा, जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है ATF, वो भारत में सबसे ज़्यादा उसका क्योंकि जो डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है एयरलाइन की उसका 25% के करीब पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो होता है। तो अगर ये कॉस्ट रिड्यूस कर दी जाए, जैसे आंध्र प्रदेश में ये कोई 22% के करीब है, तो अगर पूरे कंट्री में 4-5% इस पर कर दिया जाए तो उससे भी फर्क पड़ेगा। हमारा उनसे अगला सवाल था कि हिंदुस्तान में कुछ साल पहले सस्ते हवाई सफर का जो रुझान शुरू हुआ था वो क्यों खत्म होता नजर आ रहा है? अगर यही किराए रहे तो खत्म हो जाएगा। और ट्रेंड जब शुरू हुआ था तो क्या था कि जब लो कॉस्ट, उस टाइम मैंने बताया ना 15 मिलियन पैसेंजर जाते थे, तो जब एक लो कॉस्ट ट्रेंड आया तो काफ़ी लोग जो रेलवे में जाते थे उन्होंने हवाई जहाज़ में जाना शुरू कर दिया। तो अब क्या हो रहा है कि इतने हाई किराए देख के लोग वापस रेलवे पे जा रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड है, अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो लॉन्ग टर्म एयरलाइंस को भी ये वायबल रहेगा, क्योंकि लोगों की आदत अगर हवाई जहाज से छूट के ट्रेन पे पड़ गई तो फिर उनको लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। आप अपनी जो डिमांड है उसको खुद कम कर रहे हैं। हमने उनसे भी पूछा कि अलग अलग हवाई कंपनियां जिस तरह से एक ही रूट पर मनमाना किराया वसूलती हैं, इस पर किस तरह लगाम लगाई जा सकती है? नहीं, लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, जब आप एक टैक्सी जो एयरपोर्ट से होटल लेके आती है पैसेंजर को, उसका आपने अमाउंट फिक्स करा हुआ है। प्रीपेड टैक्सी का आपने थोड़ा सा ज़्यादा है पर एक अमाउंट फिक्स्ड है, ताकि लोगों के साथ चीटिंग ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर ना हो। इसी तरीके से आपने काफ़ी एसेंशियल कमोडिटीज़ का किराया फिक्स करा हुआ है, तो अगर आप टैक्सी का किराया फिक्स कर सकते हैं तो आप एयरलाइंस का किराया क्यों नहीं फिक्स कर सकते? अगर एक एयरलाइन की डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट 2,000 रुपये है पर पर्सन, तो आप उसको 4,000 रुपये की लिमिट दे दीजिए, 5,000 की लिमिट दे दीजिए, पर एक मैक्सिमम लिमिट बेस्ड ऑन माइलेज, या आप जो मेजर सेक्टर्स हैं उनका आप अमाउंट या जोन्स करके उन जोन्स की मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर दीजिए। मिनिमम आप
खुला छोड़ दें, मिनिमम जो मर्जी करे, तो विद इन वन आवर फ्लाइट आपका मैक्सिमम ये है, टू आवर्स फ्लाइट मैक्सिमम ये है, थ्री आवर्स फ्लाइट, बिटवीन टू एंड थ्री आवर्स फ्लाइट ये है मैक्सिमम। उस मैक्सिमम से ऊपर एयरलाइन को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम एक कंट्रोल तो होगा। मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब ये नहीं कि आप पैसेंजर को लूट लो। जो हमने उनसे पूछा कि किराए में हो रहे इजाफे से हवाई सनत पर किस तरह का असर हो सकता है, तो उनका जवाब ये था। नहीं देखिए, बढ़ोतरी होना एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए तो फायदेमंद है, क्योंकि एयरलाइन को अगर ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो एयरलाइन ने जो नुकसान करा है उसको कवर करेगी। पर एट द सेम टाइम जो होल पर्पस था ऑफ लो कॉस्ट कैरियर्स, वो पर्पस नहीं डिफीट होना चाहिए ना। मतलब आप प्रॉफिट करें, प्रॉफिट 5-10% प्रॉफिट कोई माइंड नहीं करता, 15% तक भी, पर आप अगर 100% प्रॉफिट करेंगे तो उसको मुनाफाखोरी कहा जाएगा, प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा। तो अगर रीजनेबल प्रॉफिट करके एयरलाइन चलेंगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।